पहुंचाना चाहता हूं कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बिहार को आए और बिहार को आकर उन्होंने बिहार को आया और बिहार को आकर उत्तर प्रदेश के योगी ने कहा ओवैसी का नाम ले लिया। हम बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं कि भाई साहब आपके ख्वाबों में हम क्यों नजर आते हैं, बिहार को आए। अरे बिहार के बारे में बात करो मगर नहीं पाकिस्तान और ओवैसी की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन की एक सभा में कहा कि मैं अपने सर को झुकाता हूँ बिहार के उन बहादुर जवानों ने जिन्होंने चीन के साथ गलवान की वैली में मुकाबला करते हुए भारत की सरजमीन को बचाने के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हम भी उन बिहार के उन बहादुर सिपाहियों को सलाम करते हैं, उनके माँ बाप को सलाम करते हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री से बिहार की उन माओं से जिन्होंने अपने औलाद को खोया है, जिन्होंने अपने नौजवान बेटों को खोया है चीन से मुकाबला करते हुए, भारत के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जिस माँ ने अपने बेटे को खोया वो माँ आपसे पूछ रही है कि बताओ मोदी क्या तुमने मेरे बेटे की जान का बदला लिया है नहीं लिया। एमआईएम पार्टी, आरएलएसपी, बहुजन समाज पार्टी और जनाब राजभर सहारी की पार्टी समाज में मिलकर एक सेक्युलर अलायंस फ्रंट बनाया है। वो बिहार की जनता जो आरजेडी के पंद्रह साल में पिसी गई, वो बिहार की जनता जो नीतीश कुमार बीजेपी मोदी के 15 साल के शासन में जिनको बेरोजगार बना दिया गया, जिनका गरीबी उनका मुखदर बना दिया गया और आज ये लाइन आपसे वादा करने आया है कि आप जनाब कुशवाहा साहब को इसका चीफ मिनिस्टर बनाइए और हकीकी मानों में बिहार की जनता से इंसाफ होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि इस इलाके में 70% से ज्यादा चावल की भाई मिले खत्म होकर बंद होकर रख दी गई। डिग्री को हासिल करने के लिए बिहार से दूर दूर राजस्थान जाते हैं तो कहीं दिल्ली और मुंबई जाकर अपनी तालीम को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि जहां पर अस्पताल की बात है, क्या ये बात सच नहीं नीतीश कुमार जी 18 अक्टूबर को जागरण अखबार एक झोला छाप डॉक्टर ने हमारी एक बहन का ऑपरेशन किया तो पेट में उसके बैंडेज को तोड़ दिया। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? फिर यहाँ पर आप जानते हैं कि लाल आदर का मसला, एक हमारी बहन कांस्टेबल थी जिसको जहेज के लिए सताया गया तो उसने प्रतिक्रिया कर ली। बबुआ में स्टोन माफिया का इतना रूज है कि फारस के ऑफिसर्स पर गोली चला दिया जाता है। आप ये भी जानते हैं कि बबुआ और दरौली स्टेट हाईवे जो उत्तर प्रदेश को लगता है और वहीं पर कुदरा और बबुआ की रोड है, ये दोनों रोड ऐसी है ऐसा लगता है कि चांद के खड्डे भी यहाँ के खड्डों को देखकर शर्मा जाएंगे। मगर आज आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने वादा कर दिया कि मैं 1 साल के अंदर 19 लाख नौकरियां दूंगा, तो वहीं पर आरजेडी ने कह दिया कि हम 10 लाख देंगे। हम आरजेडी से नीतीश कुमार से मोदी से पूछना चाहते हैं कि आरजेडी को 15 साल, नीतीश कुमार मोदी और आरजेडी को 15 साल, 30 साल, 30 साल पहले अगर कोई पैदा हुआ होगा तब तक उसकी शादी हो गई होगी, 4-5 बच्चों का बाप या माँ का नाम। 30 साल में आपको याद नहीं आया। मेरे भाई मेरे नौजवान साथियों, आप अंदाजा लगाइए अगर 1 लाख नौकरियां टीचर्स की खाली है
करीब 1,00,000 डॉक्टर की नौकरियां खाली है। क्या कोई डॉक्टर टीचर की नौकरी करेगा? क्या कोई टीचर डॉक्टर की नौकरी करेगा जब स्कूल में पढ़ाने का इंतजाम नहीं है, जब डॉक्टर्स के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो कैसे नौकरियां पैदा होंगी? ये उसी वक्त पैदा होगा जब आप कुशवाहा साहब को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो तालीम में, स्कूल में, डिग्री कॉलेजेस में, अस्पतालों में राइस की मिलें खुलेगी, रिश्वत का खात्मा होगा और बिहार जो पीछे जा रहा है नीतीश कुमार के दौर में, हम बिहार को एक खूबसूरत मुस्तकबिल दे सकते हैं। मैं यही आपसे गुजारिश करने आया हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।